आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं वेज मोमोज। दोस्तों घर पे मोमोज बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं फटाफट बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा, उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल डालेंगे हम। उसमें तेल डाल के हमें अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स करना है ताकि बिल्कुल भी लम्प ना रहे। इस तरीके से दोनों हथेलियों का यूज़ करके आप इसको मिक्स कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि लम्प बिल्कुल नहीं रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिला लिया। इसको हम गूंथेंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल चिल्ड वाटर यूज़ कर रही हूँ। पानी एकदम ठंडा है, ठंडे पानी से ही गूंथना है इसको। ये देखिए ये डो जो है हमारा रेडी हो गया है। ज़्यादा इसको सॉफ्ट भी नहीं रखना है, ज़्यादा कड़ा भी नहीं रखना है। एक नॉर्मल डो रेडी करना है हमें, जैसे कि हम रोटी का आटा बनाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आटा रेडी है। इसको हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे, तब तक हम बना लेते हैं फिलिंग। तो मोमोज़ की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तवा गर्म करने के लिए रखा है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच बटर। अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हो 1 चम्मच, और अब बटर है तब तो अच्छी बात है। बटर से टेस्ट भी काफ़ी ही अच्छा आता है। और उसमें डालेंगे ये 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, और ये यहाँ पे 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन और अदरक। इन तीनों चीज़ों को थोड़ा मिक्स किया। अब इसमें डालेंगे हम सब्जियाँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कटी हुई प्याज, और ये देखिए मैंने गाजर को कद्दूकस किया है, 1 गाजर कद्दूकस किया है, आधी शिमला मिर्च कद्दूकस की है, और यहाँ पे मैंने छोटा साइज का कैबेज है उसको आधा लेके मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मोमोज की फिलिंग के लिए गाजर और कैबेज ही इनफ है। अगर आप चाहिए तो शिमला मिर्च डालें, अगर आप नहीं अवेलेबल है तो ना डालें तब भी चलेगा, टेस्ट तब भी उतना ही अच्छा आएगा। आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, पनीर भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए जो फिलिंग है रेडी है। इसको हम ठंडा करेंगे, बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हमें मिक्स कर देना है। यहाँ पर मैंने डाला थोड़ा सा चीनी, हाँ जी 1/2 चम्मच चीनी पाउडर डाला मैंने। उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, मिक्स हो जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस तरीके से बॉल में किनारे लगा के बॉल को तिरछा रख देंगे ताकि जो पानी निकलना हो उसमें से वो निकल जाए। अब ये देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं मोमोज। अब उसके लिए पहले आटे को इस तरीके से छोटी छोटी गोलियाँ बना लेनी है हमें। मोमोज बेलने के टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि किनारों के साइड पे मोमोज ज़्यादा पतले होने चाहिए। किनारों के साइड अगर ये रोटी ज़्यादा पतली होगी तो जब आप मोमोज को बंद करेंगे तो ज़्यादा मैदा इकट्ठा नहीं होगा एक जगह पर। इसलिए हमें किनारों के साइड को बेलन ज़्यादा प्रेस करना है और बीच में बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं इतना पतला हमें बेलना है इसको। चलिए इसमें अब फिल कर लेते हैं हम। अब इसमें भरेंगे हम 1 चम्मच ये वेजिटेबल्स, 1 से 1.5 चम्मच जितना बड़ा आपको बनाना हो। यहाँ पे मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, और इस तरीके से आप ध्यान से देखें फोल्ड करते हुए। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी कि दो तरीके से कैसे बनाएं। ये पहला तरीका, इस तरीके से आधा फोल्ड करें और बाकी आधे हिस्से को ले जाके फोल्ड किए हुए हिस्से पे चिपका दें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इतना अच्छा मोमोज बन के रेडी हुआ है। अब ये दूसरा तरीका ये है जो गोल से मोमोज होते हैं उसके लिए। इसमें हम 1 चम्मच भरेंगे, और जिस तरीके से हमने उसको फोल्ड किया था इसमें ये 2 कलियों को फोल्ड करके चिपकाना है, और उसके ऊपर ही हमें कली बनाते हुए चिपकाते जाना है। चारों तरफ से ये प्रोसेस करेंगे तो ये गोल वाले मोमोज बन जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ ये। ये मोमोज जो है ये गोल वाले बन के रेडी हैं। इस तरीके से ऐसे ही हम अब पूरे मोमोज बना लेंगे अपने। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 से 7 बना लिए हैं। मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है यहाँ पे।
इसमें इस तरीके की एक जाली वाली प्लेट रखनी है हमें। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हम, जिससे कि हमारे मोमोज चिपके नहीं नीचे। तो इसमें ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, आप ये बिल्कुल ना भूलें। इसमें ऑयल लगा लिया है, पानी हमारा गर्म था, स्टीम था, और इसमें हमने मोमोज रखेंगे। थोड़ा दूर दूर रखना है, बिल्कुल चिपका के नहीं रखना है एक दूसरे से। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये रख दिया है। अब इसको हम ढकेंगे। आप इसको किसी भी प्लेट या लिड से ढकें, लेकिन आपको ऐसे ढकना है कि स्टीम नहीं निकलनी चाहिए किसी भी किनारे से। आपको चेक कर लेना है कि बिल्कुल स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इसको 15 मिनट तक पकाना है स्टीम में। 15 मिनट हो गए हैं, मैं यहाँ पे खोल के दिखा रही हूँ। मोमोज जो हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल ही पक चुके हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में चिपकेंगे नहीं ये। और ये देखिए, दिखने में ही लग रहा है कि पक गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ही पके हुए हैं, इतने यम्मी दिख रहे हैं मोमोज। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और हम ये गर्मा गर्म खाएंगे। दोस्तों, ये मोमोज की चटनी मैंने घर पे बनाई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि चटनी ये मोमोज की कैसे बनाते हैं। और आप इसको ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये चटनी मोमोज के साथ आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कुकिंग।